प्रिय दर्शकों नमस्कार, आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। श्री कृष्ण कुमार सिंह ने सेल के निर्देशक कार्मिक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। राउरकेला स्टील प्लांट के कैंसलिंग प्लांट 2 विभाग में लागत जागरूकता अभियान संवेदीकरण आयोजित। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक श्री प्राणनाथ पटनायक। अब समाचार विस्तार से। श्री कृष्ण कुमार सिंह ने आज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के निर्देशक कार्मिक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। श्री सिंह ने IIT BHU से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और मानव संसाधन प्रबंधन में PG डिप्लोमा किया है। श्री सिंह ने सेल में अपने कैरियर की शुरुआत भिलाई स्टील प्लांट में प्रबंधन प्रशिक्षु तकनीकी के रूप में की। कंपनी के निर्देशक कार्मिक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले श्री सिंह ने कंपनी में विभिन्न पदों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाते हुए सेल के कार्यपालक निर्देशक प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासन के पद तक का सफर तय किया। श्री सिंह के पास भिलाई इस्पात संयंत्र और निगमित कार्यालय में प्रचालन, मानव संसाधन विकास, सतर्कता और कार्मिक एवं प्रशासन जैसे विविध क्षेत्रों में लगभग 35 वर्षों का व्यापक अनुभव है। श्री सिंह ने अपने कैरियर के दौरान परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कैरियर प्रोग्रेशन प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, शिक्षा, इंडस्ट्रियल रिलेशन और एम्प्लॉय इंगेजमेंट इंसेंटिव्स जैसे क्षेत्रों में अनेक प्रगतिशील पहल की है। उन्होंने कंपनी में विभिन्न मानव संसाधन नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट RSP के वित्त और लेखा विभाग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए लागत जागरूकता अभियान संवेदीकरण का आयोजन 24 अगस्त को कैंसलिंग प्लांट 2 विभाग के सम्मेलन कक्ष में किया गया। महाप्रबंधक CP2 श्री डी महांती ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी LDBP श्री बब्बन, महाप्रबंधक CP2 श्री राम राय सोरेन और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य लागत नियंत्रण के महत्व के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करना था। इस अवसर पर बोलते हुए श्री महांती ने इस तत्व पर जोर दिया कि RSP के लाभ को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन की लागत को कम करने और विभाग के हर क्षेत्र में राजस्व सृजन को बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है। बैठक के दौरान महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री पी विजयन द्वारा लागत कटौती योजना पर चालू वित्त वर्ष की पहले तिमाही में कैंसलिंग प्लांट 2 के वास्तविक निष्पादन पर एक प्रस्तुतिकरण किया गया। उन्होंने RSP द्वारा सामना किए जा रहे मौजूदा मुद्दों जैसे NSR को कम करने, आयातित कोयले की लागत में वृद्धि और इस्पात उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाने आदि पर भी प्रकाश डाला। श्री डी महांती ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया और कार्यक्रम का संचालन किया। श्री बब्बन ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी प्रकार अभियान के 4 सत्र हाल ही में 26 अगस्त 2022 को हॉट स्ट्रिप मिल 1, न्यू प्लेट मिल, सेंटर प्लांट 3 और ब्लास्ट फर्नेस 5 विभागों में आयोजित किए गए। संबंधित विभाग के मुख्य महाप्रबंधकों ने अपरंपरागत स्त्रोतों के माध्यम से RSP को लाभ को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया अनुकूलन, व्यय नियंत्रण और राजस्व सृजन पर जोर दिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी श्री प्राणनाथ पटनायक। 16 नवंबर 1905 को जन्मे प्राणनाथ पटनायक ने प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्थान काशी विद्यापीठ बनारस से BA शास्त्रीय डिग्री प्राप्त की थी। कटक के रेवेंशा कॉलेज में पढ़ते हुए वे 1930 में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें 10 बार कैद किया गया। वे राज्य में कम्युनिस्ट और किसान आंदोलन के संस्थापक थे और रणपुर, खंडपारा, नयागढ़ के पूर्व रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन के नेता थे।
ओडिशा साप्ताहिक नुआ दुनिया के संपादक के रूप में पटनायक ने भारतीय पत्रकार प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में 1963 से 65 में USSR का दौरा किया। वे ओडिशा के समाजवादी आंदोलन के अग्रदूत में से एक थे। एक महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक श्री पटनायक ने इतिहास और दर्शन शास्त्र पर कई पुस्तकें भी लिखी थी। उन्होंने 5 अक्टूबर 1970 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।